तो बताइए मुस्तफा जी, आपको मस्जिद की कमेटी से क्यों निकाला गया? अरे पहली बात तो बात सुन ले तू मेरी, मेरे को मस्जिद की कमेटी से बाहर ना निकाला गया, मैं खुद मस्जिद की कमेटी से त्याग पत्र दे दिया मैंने। ऐसा मत करो मेरी जान। तो जनता जानना चाहती है, बताइए। सबसे पहली बात तो ये जितनी बाइक खड़ी रहे मैं उनकी हवा निकाल दे, ये लोंडे काजर होते ना हवा निकालने की, बिल्कुल अच्छा बात नहीं है। और लाइट चली जावे तो जनरेटर ना चला मैं बिल्कुल भी। तो और बताइए, और क्या कमियां हैं? अरे मैंने इनको एडवाइस दी पानी पीने का प्याऊ लगवा दो, इन्होंने सुनी ना मेरी। यू कह रहे हैं कि पानी का प्याऊ लगवाएंगे तो गंदगी फैलेगी, लोग कुल्ला करेंगे वहां पे, मुंह धोएंगे अपने। बात तो सही है। अरे मैंने तो समाज की भलाई के लिए कही, इन्होंने मेरी बात ना मानी बिल्कुल भी। झाड़ू मैं लगाऊं सुबह सुबह आके, अच्छा झाड़ू वाला इन्होंने ना रखा बिल्कुल भी, मुझे मारनी पड़े झाड़ू। और कई कमेटी वालों को दावत में बुला, मैं तुझे खुद दावत खाया मैं सारे के सारे, मुझे कोई सा भी ना बतावे इनमें से। ये अच्छा। और लाइट चली जावे, लोगों को पानी भरवा दिया मैंने तो मुझसे कहने लग गए कि तुमने किससे पूछ के मोटर चलाई, और बच्चों को ये भगा दे खेलने ना दे मैं बिल्कुल भी। तो मुस्तफा जी अब आप क्या करेंगे बताइए, अब आपने आगे के लिए क्या सोचा है? तो भैया मैंने तो ये सोच लिया कि मैं बनूंगा अगला प्रधान, मैं करूंगा अच्छे काम समाज के लिए, ये हुई ना बात, जो कमी होगी मैं दूर करूंगा भैया, और सबकी राय लूंगा बिल्कुल, अपनी मर्जी से ना करने का मैं बिल्कुल भी कुछ। मैं कहूंगा कि यहाँ गाड़ी खड़ी करवाऊंगा इनकी, तो बच्चों को खिलवाऊंगा भैया मैं तो, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करवाऊंगा मैं तो लोगों की, बच्चे खिलवाऊंगा मैं पियाऊ लगवाऊंगा ताकि पानी पी ले लौंडे, शरबत बटवाऊंगा भैया मैं तो हर हफ्ते सिकंजी और शरबत बटवाऊंगा, और भैया बिरयानी भी बटवाऊंगा मैं तो, और भैया गरीबों की मदद करूंगा, साफ सफाई करवाऊंगा। बहुत अच्छा लगेगा, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।